जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आसान शब्दों में भाषण। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन का यही है संकल्प, दुनिया के सभी देशों को आपस में व्यापार से बढ़े प्रेम का संगम। माननीय वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिथिगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के प्रति दो शब्द रखने जा रहा हूँ। विश्व सीमा शुल्क संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर्तव्यों और करों को भी नियमित करती हैं। सीमा शुल्क किसी देश का एक महत्वपूर्ण सीमा प्राधिकरण है। वैश्विक व्यापार की वृद्धि और निषिद्ध व्यापारों को नियंत्रित करने के लिए पूरी दुनिया को सीमा प्रबंधन पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में की गई थी। विश्व सीमा शुल्क संगठन का गठन 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में किया गया था। इस सीमा शुल्क का गठन 26 जनवरी 1953 में किया गया था। दुनिया भर में प्रति वर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व सीमा शुल्क संगठन के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन अंतर सरकारी है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। विश्व सीमा शुल्क संगठन सामूहिक रूप से दुनिया भर में 180 से अधिक सीमा शुल्क प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन को बढ़ावा देना है। इस दिन दुनिया भर के 179 देशों के सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा पहले सत्र का जश्न मनाते हैं। इस दिवस को हर साल एक अलग थीम विषय के साथ मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन दृढ़ता से मानता है कि सीमाएं विभाजित होती है, लेकिन यह सीमा शुल्क है जो देशों के बीच संबंध स्थापित करती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।